नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे केंद्र के द्वारा पेश किए गए बजट के अंदर पंजाब को राहत पैकेज ना मिलने के चलते पंजाब सरकार और अब केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई है। जिस स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि पंजाब को राहत पैकेज नहीं दिया गया, जिस पर चलते विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाया है। इनडी गठबंधन कांग्रेस समेत जो है वो आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया है और ये कहा है कि भाजपा ने सीधे तौर पर पंजाब को नजरअंदाज किया है और पंजाब को विशेष पैकेज नहीं दिया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश को जो है विशेष राहत पैकेज दिया गया, लेकिन पंजाब को नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि जिस तरह चुनाव के चलते कहीं ना कहीं भाजपा को पंजाब के अंदर जो है उम्मीद से बढ़कर जो है उम्मीद जो है वो चुनाव में जो है वोट नहीं डली, जिसका खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ रहा है और पंजाब को सीधे तौर पर राहत पैकेज न देना कहीं ना कहीं ये इस बात को लेकर दर्शाता है कि पंजाब के साथ में अनदेखा व्यवहार किया गया है, जिसको चलते अब आम आदमी पार्टी और जो है वो भाजपा के बीच टकराव की स्थिति है। और केंद्र के द्वारा नीति आयोग की बुलाई गई मीटिंग में पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने उसका बायकॉट कर दिया है। 27 जुलाई को ये मीटिंग होनी थी, जिसके चलते ये कह दिया गया कि इस मीटिंग का वो भाग नहीं होंगे, क्योंकि पंजाब के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है और पंजाब को जो है वो बजट से जो है वो पैकेज से बाहर रखा गया, जिसके चलते इसका विरोध जो है सभी विपक्षी दल कर रहे हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है, चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में हरप्रीत सिंह जी हमारे साथ हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी हैं, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और भाजपा से हमारे साथ में रमा महाजन जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत रमा महाजन जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि अब टकराव की स्थिति इस बात को लेकर हो गई है कि भाई पंजाब को राहत पैकेज से बाहर रखा गया, पंजाब को विशेष जो है नहीं दिया गया। वो कहते हैं कि केंद्र जो प्रदेश है उनको जो है वो सीधे तौर पर बेनिफिट दिए गए, पंजाब को सीधे तौर पर इससे बाहर रखा गया, पंजाब के साथ में इस तरह का व्यवहार किया गया। और जो जिस तरह से चुनाव के समय में पंजाब में भाजपा को जो है कहीं ना कहीं उसको हार का सामना करना पड़ा, उसका बदला कहीं ना कहीं लिया जा रहा है और पंजाब को सीधे तौर पर, क्योंकि पंजाब सरहदी इलाका है और नशे को लेकर बेरोजगारी को लेकर कई तरह के यहाँ पे मुद्दे हैं, वो कहते हैं कि पंजाब के साथ इस तरह का व्यवहार करना वो ठीक नहीं है। और जो नीति आयोग की मीटिंग थी उसमें भी पंजाब सरकार ने शामिल होने से इनकार कर दिया। नमस्कार, मैं सारी चर्चा सुन रही थी, आप जो बता रहे थे एक संतुलित बजट जो है वो दिया गया है और ये जरूरी नहीं है कि हर प्रदेश का नाम लिया जा सके। पूरे चर्चा में सारे प्रदेश का नाम नहीं लिया जा सकता। अगर महिलाओं के लिए अगर कोई दिया गया है तो महिलाओं के लिए है, अगर युवा वर्ग के लिए दिया गया है, कोई राहत दी गई है या कुछ दिया गया है उनके सारे युवा वर्ग के लिए दिया है। जो सेंट्रल बजट होता है वो बजट जो है किसी एक स्टेट का नहीं होता, वो पूरे देश का बजट होता है और उसी तरह से सारा आवंटन होता है, उसी तरह से सारे जो है प्रोग्राम बनाए जाते हैं और सबको उसी हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। और इसमें ये कांग्रेस ने तो विरोध कर दिया ना, कांग्रेस ने तो बजट पेश होते ही बाहर आके उन्होंने विरोध कर दिया था और ये कह दिया कि बिहार के लिए आपको 60,000 करोड़ आपने पैकेज रखा, आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का विशेष पैकेज रखा, लेकिन ऐसे में पंजाब को क्यों अनदेखा कर दिया, पंजाब को क्यों भूल गए? ऐसे तो बहुत सारी स्टेट्स है जिनका नाम नहीं लिया गया, पर जो बजट तैयार किया गया पूरे देश का बजट तैयार किया गया है और पूरे बजट में पंजाब भी आता है और पंजाब के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, गरीब लोगों को, सबको दिया गया। कृषि के लिए अलग बजट रखा गया है, उसके लिए जो है महिलाओं के लिए अलग रखा गया है, युवा वर्ग के लिए उनको स्टार्टअप शुरू करने के लिए पहले जो उनकी मिलती थी राशि मिलती थी, जो बिना गारंटी के लोन मिलता था वो 10 लाख था, अब 20 लाख कर दिया गया है। और अगर हम रोजगार की बात करें, ये जरूरी नहीं है कि हम जो है नौकरी ढूंढे। हमारा जो मकसद है संतुलित बजट में, मकसद जो है वो ये मकसद है कि हम एक अपने सब रोजगार बने और लोगों को रोजगार देने वाले बने, और इसके लिए ही जो है वो लोन दिया जाता है जिससे युवा वर्ग जो है अपना रोजगार खुद बनाए। और जैसे स्टार्टअप योजना शुरू की गई है, महिलाओं के लिए शुरू की गई है, महिलाओं को मुद्रा लोन दिया जाता है, ये पूरे देश के लिए है और इसकी चर्चा में जरूरी नहीं है कि हर स्टेट का नाम ले, बाकी भी स्टेट्स हैं। और ये जो है आप जो सरकार है इसका एक नैरेटिव बन गया है कि इन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना है और इन्होंने जरूर किसी पे ब्लेम गेम खेलनी है कि हमें ये नहीं दिया गया, हमें इस तरह से नहीं किया गया, हमें जो है इग्नोर किया गया है, ये इनका एक नैरेटिव बन गया है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत संतुलित बजट है और देश को आगे ले जाएगा।
चलिए ठीक है, आपने बताया कि किस तरह से जो है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए बजट पेश किया गया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और आपके जो विपक्षी हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हरप्रीत जी का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, हरप्रीत जी क्या कहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि हमने हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने का इसमें रखा है और जरूरी नहीं है कि पंजाब का नाम आए या किसी और प्रदेश का नाम आए, वो कहते कि सबके लिए रखा गया है, लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो आखिरी विरोध करी वो कहते कि इनका काम है, ये हर बात का विरोध करते हैं। ऐसे में पंजाब को लेकर जो आपके द्वारा लगातार ये कहा गया कि पंजाब को विशेष राहत पैकेज नहीं मिला और पंजाब के साथ में इस तरह से व्यवहार किया गया जो गलत था। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जब से भाजपा की केंद्र सरकार हमारे देश पर आई है, वहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी ओपोजिशन पार्टीज की गवर्नमेंट स्टेट्स में रूलिंग होती है वहाँ पर उनके साथ तशद्दद होता है, वहाँ पर उनके साथ बायस होकर चला जाता है। इसमें कोई भी संकोच की बात नहीं और ये सारा देश इस बात को जानता है। बहुत बड़ी बड़ी निर्मला सीतारमन जी ने बातें की, बहुत अच्छा बजट इन्होंने कहते हमने देश के लिए लिया लाए हैं हम, बट मैं आप बताना चाहूँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी बजट लेकर आई है ये 11वां इनका बजट था, बट ये खोखला बजट पेश होकर रहा और यह एक स्कीम के तहत बजट आया जो थी प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना के तहत। 56,000 करोड़ रुपया बिहार को जाता है, 15,000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को जाता है, क्योंकि ये जो दो इनके पावे हैं जो एक इन पर सरकार टिकी है ये उन पर देते हैं। पंजाब के साथ ये मैम ने बात की कि पंजाब में किसानों के लिए बहुत कुछ आया, एजुकेशन के लिए बहुत कुछ आया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं मैम को भी पूछना चाहूँगा कि 5 चीज़ों मेरे को ऐसी बताएं जो पंजाब के युवाओं के लिए और किसानों के लिए इस बजट में हों। उसके बाद पंजाब को बहुत सारा पैसा है जो भाजपा की केंद्र सरकार ने रोक रखा है, चाहे वो 8,000 करोड़ की RDF की बात करें, 5,500 करोड़ की नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे की बात करें, और पंजाब पंजाब है जो पंजाबी हैं वो कभी भीख नहीं मांगता, वो अपने हक मांगता है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से GST जो कानून है हमारी केंद्र की सरकार ने लागू किया है, तब से जितना भी हमारे पंजाब का फंड है वो पहले जो टैक्सीज है वो यूनियन के पास जाते हैं, यूनियन के पास घूमकर हमारे पंजाब में आते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक रीसेंट रिपोर्ट्स में आज की तारीख में हमें जो टैक्स यूनियन से आ रहा है पूरे ईयरली वो 25,000 करोड़ के लगभग उसकी अमाउंट है, और अगर 2017 से जो GST कानून के आने से पहले अगर वो टैक्स स्लैब स्टेट गवर्नमेंट वाली चलती तो आज हमारे को 45,000 करोड़ के करीब आता। भाजपा ने पंजाब सरकार के पैसे तो कहीं ना कहीं रोके ही रोके, बट आज 20,000 करोड़ का पंजाब और लॉस में चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक GST कानून के कारण। और इन्होंने बात के लिए बहुत कुछ आया, और आम आदमी पार्टी की इन्होंने कहा कि आदत है ये किसी पर थोप देते हैं। मैं इनको कहना चाहूंगा कि इनको मैं कहूंगा कि पंजाब के लिए इस बजट में 5 ऐसी चीजें बताएं जो इन्होंने बहुत बड़े राहत पैकेज में दी हो, अगर इन्होंने दी होती या पहले दी होती या देने वाले में होते तो आज इनकी पंजाब में भाजपा की 0 सीट ना होती। चलिए ठीक है, ठीक है हरप्रीत जी, ठीक है आपकी बात आ गई। कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, नशे के मुद्दा है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और कई तरह के मुद्दे हैं पंजाब के लिए, और लगातार पंजाब सरकार ये कहती नजर आई कि भाई हमें विशेष पैकेज दीजिए ताकि पंजाब को खुशहाली की तरफ लेके जाया जाए, लेकिन ऐसे में नीति आयोग की उस मीटिंग का बाइकॉट करना, ये कांग्रेस ने किया था कि इसका बाइकॉट किया गया और इंडी गठबंधन ने इसका ऐलान कर दिया था, लेकिन ऐसे में नीति आयोग की उस मीटिंग में पंजाब सीएम भगवंत मान जब नहीं पहुंचेंगे तो आपको नहीं लगता कि जब आप अपनी बात ही नहीं रखेंगे तो आप कैसे पता चलेगा कि भाई पंजाब के ये मुद्दे थे जिन पर आपको जरूरत थी बात करने के लिए, आपको इस बात को लेकर जरूरत थी कि भी इस बात को लेकर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हो जाए, अगर आप जाएंगे नहीं वहां पर उसका वाइकआउट करेंगे तो कैसे पंजाब के अधिकार की बात की जाएगी? ये असली असली मुद्दा तो यही है ना, जब केंद्र सरकार पंजाब से सौतेला व्यवहार कर रही है तो पंजाब की समस्याएं कैसे हल होगी, फिर ये राज्य सरकारों पे ब्लेम करते हैं बाद में। तो मोदी सरकार ने तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का उससे बहुत भारी भारी आघात किए हैं, और पंजाब के बारे में तो ये जग जाहिर है कि वो पंजाब से वितकरा, तो वो ये करने की इनकी जो है लगता है कि पंजाब से बहुत भारी वितकरा हो रहा है, और कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, चाहे चाहे पंजाब सरकार कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहती है जहां पर उनको लगता है कि यहाँ अड़ंगा अड़ाया जा सकता है तो वो अड़ा देते हैं, कभी वो बिल को रोक लेते हैं, कभी बिल प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, कभी वहां से रुकवा लेते हैं, कभी वहां से रिजेक्ट करवा देते हैं, तो ये सब काम चल रहे हैं।
पर इस बार तो थोड़ी सी मजबूरी भी थी मोदी सरकार की कि उनको अपनी सरकार बचानी थी। वो अभी उनकी मेजोरिटी तो है नहीं है, तो वो 28 एमपी थे जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के और नीतीश कुमार की पार्टी के, तो उनसे वो टिकी हुई थी। तो वो सरकार को धमकी दे रहे थे और कई मीटिंगें भी कर चुके थे कि आप अगर हमें हमारा मनचाहा फंड नहीं दोगे तो हम आपसे हाथ खींच लेंगे। तो अब सोचने की बात तो ये है कि देश प्यारा है, सारे सूबे प्यारे हैं, इंसाफ प्यारा है कि कुर्सी प्यारी है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हम आंध्र प्रदेश को देते हैं। पहले उन्होंने शायद 50,000 करोड़ का एक उनको इंसेंटिव दिया था कुछ दिन पहले ही सरकार बनने के एकदम बाद। उसके बाद अभी कल 26,000 करोड़ का और दे दिया, और भी उनकी जो एलोकेशन है उसमें शायद कुछ इंक्रीज किया है। बिहार का नहीं, आंध्र प्रदेश को हम सॉरी 15,000 और दिया है, 26,000 बिहार को दिया है। वहाँ पिछले एक महीने में 15 से 20 पुल गिर चुके हैं, अभी नए पुल बनाएंगे वो 26,000 करोड़ से। वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भगवान जानता है, या बिहार सरकार जानती है, या मोदी साहब जानते हैं। तो देश का पैसा देखिए, इसमें एक बड़ी बड़ी एक ना इंसाफी वाली बात है। मैं आपको एक डाटा देता हूँ छोटा सा। तमिलनाडु 1 रुपया मान लो टैक्स भेजता है सेंट्रल किटी में, तो उसको वापस सिर्फ 29 रुपये मिलते हैं, 29 पैसे मिलते हैं। 1 रुपया वो सेंटर को भेजता है, सिर्फ 29 पैसे मिलते हैं। तो एक अच्छी परफॉर्मिंग स्टेट को के साथ केंद्र वित्त करा करती है। और इसी तरह बिहार अगर 1 रुपया टैक्स भेजता है सेंटर को, तो उसको 7 रुपये 6 पैसे मिलते हैं। तो एक जो भ्रष्टाचार में लिप्त और जो जहाँ पे वेस्टेज हो रही है, इनएफिशिएंसी हो रही है, अच्छी अच्छी स्टेटों से पैसा हटा के महाराष्ट्र से कर्नाटक से हटा के यूपी को दिया जा रहा है और बिहार को दिया जा रहा है, ये गलत बात है। राजीव जी ठीक है, वापिस आपके पास आऊंगा। कन्हैया सिंह पीर मोहम्मद जी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। कन्हैया सिंह जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि भाई जो केंद्र द्वारा पेश किया गया बजट है उसमें को पंजाब में कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया है, क्योंकि पंजाब के सिर पर जो कर्ज है वो 3 से मुझे लगता है कि 4 लाख के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 3,43,624 करोड़ का अभी तक कर्ज है, तो वो जो बढ़ने के आसार है, वो कहते हैं कि 24-25 में और बढ़ जाएगा, लेकिन जिस तरह से राहत पैकेज ना मिलना, तो आपको नहीं लगता कि कर्ज की तरफ से और पंजाब को धकेलने की कोशिश है? एक तरफ यहाँ पर बात हो रही है कि भाई मोदी सरकार ने जो कर्ज दिया था, क्योंकि ये सवाल विपक्ष ने उठाए हैं, इंडी गठबंधन ने उठाए हैं, आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? जैसे आपने सवाल किया और बहुत सारा जवाब भी आपने दे दिया, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बॉर्डर स्टेट कहते हैं, ये है भी बॉर्डर स्टेट, तो ये देश की बैकबोन है पंजाब। तो जैसे बैकबोन को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास वो ही लोग कर रहे हैं जिनको ये समझ होनी चाहिए कि ये देश है, इस देश में सबसे बड़ा जो है, जो खेती प्रधान सूबे की बात करें तो पंजाब है। पंजाब से गेहूं और पंजाब से जो पंजाब का किसान है उसके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। और जो नीति है जो कि ये बात चल रही है, तो सरकार को अभी जाग आई है, जब सीएम पंजाब उनसे मीटिंग भी करते हैं, लेकिन वो एक सवाल खड़ा करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि 3 लाख करोड़ रुपया आपके सिर कर्जा था, तो आपकी सरकार आई है, 2.5 साल का समय बीत चुका है, तो आपने 1 लाख करोड़ और बढ़ा दिया। तो ये समझने वाली बात है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए था, जब ये सरकार बनी थी इन्होंने तो ये देख लिया कि हमारे पास 92 MLA आ गए, फुल मेजोरिटी आ गई, हमें तो किसी की जरूरत नहीं है, चाहिए ये था कि ये सर्व पार्टी मीटिंग करते, मीटिंग में जो पंजाब का जो रेवेन्यू है उसकी बात करते और जो पंजाब पर कर्जा है उसकी बात करते और लोगों को बताते कि ये कुछ पंजाब में इस वक्त है। तो क्या किया भगवंत मान जी ने, वो कहता है कि ये ऐसे रौला पाते हैं, खजाना तो भरा हुआ है, खजाने में तो कोई कमी नहीं है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम लगा ही नहीं सकते। और जब पता चला कि इनके पास तो कौड़ी भी नहीं है, ये तो मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, तो ये दमगजे कैसे मारते। ये वो ही बात है कि जैसे एक कंगाल बंदा घर से निकलता है तो लिश्क पुछ कर निकलता है, तो समाज को ये
बढ़ावा देने की कोशिश करता कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन होता नहीं है। हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ कांग्रेस ने, हमारे साथ बीजेपी ने जो बड़ा अन्याय किया है, जो पंजाब का जो मेन स्ट्रक्चर है आप देखिए, यहाँ का पानी है वो लूट लिया गया, यहाँ का हमारे पास वो और तो कुछ है नहीं, एक पानी था उसको इन्होंने लूट लिया। और उसमें पहले कांग्रेस ने बेइंसाफी की, बाद में जो बीजेपी आ गई उसने बेइंसाफी की, और उसके साथ रल गए आप वाले। तो जय हालातों में हमारी जो पार्टी है, हम भी मानते हमारी गलती है कि हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी है हम भी कमजोर हो गए, हम जो नंबर की गेम में बहुत पीछे रह गए। तो आज क्या है, आज पंजाब जो है लवारस हो चुका है। पंजाब को जो एक अच्छी लीडरशिप की बात थी उसमें जिनको मौका दिया वो मौका संभाल नहीं पा रहे, उनको ये समझ नहीं आ रही। हरपाल सिंह चीमा को सुन लीजिए, वो तो वो ही बात करते हैं जो ऊपर से दिल्ली से उनको एक मैसेज आ जाता है वो पढ़ के बता देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का एक फर्ज पड़ता है, उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि पंजाब के लोग अकेला गेहूं नहीं देते, पंजाब के किसान के साथ जो अग्निवीर की जो इनकी स्कीम है उसका भी नुकसान सबसे ज्यादा पंजाब को उठाना पड़ रहा है, और किसान जवान। चलिए, आप कह रहे हैं कि पंजाब को दोहरी मार पड़ झेलनी पड़ रही है, ठीक है सर, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पंजाब को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से पंजाब के साथ में एक ऐसा व्यवहार किया गया जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, इंडी गठबंधन तो सवाल खड़े कर रहा है, उसके साथ साथ अब श्रोमणी अकाली दल भी बात कहते नजर आए कि भाई भाजपा ने जो पंजाब के साथ किया है, क्योंकि ये सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि जहां पर केंद्रीय जो है वो शासित जो है राज्य है वहां पर ऐसे हालात नहीं है, वहां पर विशेष दर्जा दिया जा रहा है, विशेष पैकेज दिया जा रहा है, लेकिन जहां पर उनका राज्य नहीं है वहां पर इस तरह का कहीं ना कहीं पैकेज ना देना और इस तरह से अनदेखा करना, उसको लेकर भी सवाल है। रमा महाजन जी का रुख करें तो मैंने आपने सुना सभी प्रवक्ता सभी पार्टी के हमारे बीच है, तो वो ये कहते नजर आए कि पंजाब के साथ जो हालात अब पैदा हुए हैं उस पर केंद्र को, क्योंकि आप ये भाजपा लगातार ये दावा करती है कि हम पंजाब के लिए पंजाबियों के लिए बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं, अगर ऐसा ही था तो इस जब बजट पेश किया गया तो पंजाब को क्यों अनदेखा कर दिया गया, उसी को लेकर सवाल है। वो कहते हैं कि ऐसे में अगर पंजाब को राहत और विकास पैकेज नहीं मिला तो ये तो कर्ज की जो एक वो एक कह दिया जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या केंद्र नहीं चाहती है कि पंजाब में सही ढंग के साथ में सरकार चले और सब जिस तरह से, क्योंकि टैक्स तो पंजाब भी तो भरता है ना। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक बात समझा रही है, अब तक जो मान सरकार ने 2.5 साल में क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, सिर्फ कर्ज बढ़ाया है और जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा आया उसका सदुपयोग नहीं हुआ है, उसका दुरुपयोग हुआ है और कई पैसे ऐसे हैं जो वापस चले गए हैं। इनको वो नियति नहीं है, इनके पास वो नीति नहीं है जिससे वो पैकेज अगर मिलता या पैकेज पैसे आते तो इनके तो उसी में चले जाते हैं तनख्वाहें देने में। इनकी तो अभी तक तनख्वाहें नहीं दी गई है लोगों को, जो पैसा आया भी है उनको ये उसका सदुपयोग कर ही नहीं पाए हैं, इन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। सिर्फ ये है कि दिल्ली से आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शन आ जाती है और वहाँ यहाँ का पैसा उधर चला जाता है, पंजाब का पैसा कहाँ जा रहा है ये सबको पता है, और यही चीजें इनकी जो है इनको पीछे कर रही है। और अब ये नीति आयोग में ना जाना क्या दर्शाता है, कि वो बात करना ही नहीं चाहते हैं, अपनी मांगे रखेंगे, अपने बताएंगे कि हम ये हमारा प्लान बना हुआ है इसके लिए हमें पैकेज चाहिए, वैसे ही पैकेज दे दो, वैसे ही पैसे दे दो, और वो जो पैसे हैं वो तनख्वाहों में चले जाएंगे और जो बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं कि वो बोर्ड लग जाएंगे, बस इसी में जा रहा है। और जो स्कूल्स बन रहे हैं, जो कह रहे हैं हम शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ बाहर की जो दीवारें हैं वो पेंट हो रही हैं, कुछ नहीं है उसमें किसी भी तरह का कोई भी, मतलब कोई जिसको कहते हैं ना नियति नहीं बनाई, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई इन्होंने वो लक्ष्य नहीं बनाया है। सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नीति आयोग की मीटिंग में वो जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं तो उनको पूरा किया जाएगा, वो पैकेज देने के क्यों नहीं किया जाएगा, अपना ये बना के जाएं, अपना रोड मैप बना के जाएं। अब अगर केंद्र ने बजट पेश किया, रोड मैप बना हुआ है कि हम इस तक यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, इनके पास कौन सा रोड मैप है, क्या ये बात करना चाहते हैं, सिर्फ यही है कि हमें पैकेज चाहिए, हमें राय चाहिए, और वो जो कर्जा है वो कितना बढ़ गया वो सब। चलिए ठीक है, अर्पित जी क्या कहेंगे इस पर, वो सीधे सवाल आपके ऊपर ही कर दिए, वो कहते हैं कि आप बताइए तो सही आपकी डिमांड्स क्या है और अपना आप बताइए कि आपने किस तरह से, वो कहते हैं कि हम पैकेज देने के लिए तैयार हैं लेकिन सही इस्तेमाल होना चाहिए उसका।
देखिए भाजपा की जो बातें हैं वो हमेशा पैकेज देने के लिए, किसानों की समस्याएं सुलझाने के लिए, अग्निवीर स्कीम जैसे स्कीम्स लाने के लिए, इनकी मानसिकता बहुत साफ हमें पता चलती है, सारे देश को पता चलती है। ये नीति आयोग में ना जाना एक मैं मानता हूँ कि अच्छी बात ही है, क्योंकि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो एक बहुत ही बीजेपी रूल्ड के साथ बायस होकर चलती है। और इसमें अकेली आम आदमी पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट की बात नहीं है, इसमें एमके स्टालिन जी भी नहीं जा रहे, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी नहीं जा रहे, ये बहुत सारे इंडिया अलायंस के जो सीएम हैं वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे बजट में जो कुछ हुआ वैसी नीति आयोग में होगा। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन होता था, मोदी जी ने अब उसको नीति आयोग बना दिया है। तो इसमें प्लानिंग तो सिर्फ एनडीए की सरकार बचाने के लिए होनी है, ना कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए होनी है। और इन्होंने कहा कि ये तो अपनी डिमांड ही नहीं बताते, हम हर एक जो डिमांड है वो सेंटर को चिट्ठी लिखते हैं। हमारे एफएम साहब आपकी जो प्री फाइनेंस मीटिंग है उस पर भी गए थे, एक दिन पहले 16वां फाइनेंस कमीशन पंजाब में आता है, जहां पर 1,32,000 करोड़ की हम पंजाब सरकार उनसे डेवलपमेंट के फंड्स की मांग करती है और सारा उनको एक वाइट पेपर और रोड मैप देती है। बट भाजपा की जो सरकार है वो तो देखिए, हमें सबको पता है कि कैसे इन्होंने बिहार को फंड दिया, आंध्र प्रदेश को फंड दिया, तो पंजाब के साथ तो ये हमेशा बायस होकर चलते हैं। ये जो हमारे कानून का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको भूल चुके हैं, संविधान को ये मानते नहीं है। हम तो साफ तौर पर जानते हैं कि भाजपा की जो सरकार है वो एक तानाशाही रवैया के और चलती है, पंजाब के तो ये उलट ही उलट है। मैंने इनको कहा था कि 5 मेरे को ऐसी चीजें बचाएं जो आपकी निर्मला सीतारमण जी मैम बजट में पंजाब के लिए लेकर आए, वो उसका कोई जवाब नहीं है और ही बातों में लेकर। मैं इनको कहूंगा कि 5 मेरे को ऐसी चीजें बताएं जो बजट में पंजाब के लिए लेकर आए हैं। ये कृषि की जो पैकेज दिया गया है वो पंजाब के लिए है, जो युवा का जो पैकेज दिया गया है, कितना दिया गया मैम, कितना दिया गया है पैकेज उनका, दिया गया पैकेज उनका, और जो महिलाओं के लिए वो पंजाब की महिला, जो बाकी पैकेज है क्या दिया गया मैम, जो दिया तो गया पर क्या दिया गया आप बताने के आस पास रह रहे हैं। कृषि का लगा जो है 6,000 रुपया जो दिया जाता है, उनके ड्रोन के लिए पैसे दिए गए हैं, ड्रोन इंडस्ट्री जो है वो पंजाब में लगाई जाएगी। आपने, आपकी निर्मला सीतारमण जी मैम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हम 5 स्टेट्स को क्रेडिट कार्ड देंगे, आप मेरे को उन 5 स्टेट्स का नाम ही बता दिए, और ये कबूलिए कि उसमें पंजाब का नाम नहीं है, ये कबूलिए कि उसमें पंजाब का नहीं है। क्रेडिट कार्ड जो है करना, झूठी बातों से पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में क्या स्थिति है और क्या ये, आप मेरे को 5 चीजें पंजाब के लिए बता रहे हैं। आपको 5 चीजें, जो कृषि का पैकेज दिया जा रहा है वो किसानों के लिए दिया जा रहा है, वो सिर्फ जो है वो सिर्फ बाकी किसानों को नहीं दिया रहा, सारे सूबों को किसानों को दिया जा रहा है। युवा के लिए जो स्टार्टअप शुरू किया जा रहा है वो सारे जो देश के युवा है उनके लिए, पंजाब को ये नहीं कहा गया कि आपको नहीं दिया जाएगा। और जो महिलाओं को बता देना कितने फंड की एलोकेशन आप पंजाब को कर रहे हैं, पंजाब को उसी के हिसाब से कर रहे हैं जिनके हिसाब से उनको पैकेज दिया जाएगा। तो बता दिए ना मैम, आपके पास रोड मैप है, आपके पास प्लान है, मेरे को बताइए कि 1% 2% 3% कितने परसेंट आप पंजाब को दे रहे हैं। लोगों को राशन दिया जाता है तो वो ये सोच के नहीं दिया जाता, ये कौन से। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक, क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बात इस बात को लेकर अब शुरू हो गई, वो कहते हैं कि डिमांड्स के लिए हम देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते हैं कि अब हम नीति आयोग की मीटिंग में बायकॉट कर दिया हमने, वो कहते हैं कि जब हमारी पंजाब से इस तरह से हमारा दुर्व्यवहार किया जाएगा, हमें नजरअंदाज किया जाएगा, तो हम वहां पर जाके क्यों अपनी डिमांड्स रखें। जबकि हरपाल सिंह चीमा ने एक बकायदा जो नीति सीधे तौर पर जो चेयर पर्सन आए थे उनको एक पूरा वेरवा और एक रोड मैप बना के दिया, उस रोड मैप के तहत विकास फंड के लिए 75,000 करोड़ का डिमांड रखी गई, उसके अलावा नशे को लेकर जो है वो 9,000 जो है रखा गया, 9,000 करोड़ के करीब रखा गया, खेती बाड़ी के लिए विभिन्नता के लिए 17,950 करोड़ का, कुल मिला के अगर टोटल मारा जाए तो 1,32,247 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट की बात वहां पे रखी कि ये पंजाब के लिए चाहिए, क्योंकि पंजाब को आज बहुत जरूरत है। अगर ये फंड आता है तो पंजाब के डेवलपमेंट पे, पंजाब के विकास पे, पंजाब के बेरोजगारों के लिए और नशा खत्म करने के लिए और सिक्योरिटी के लिए, ये सभी फंड जो है वहां पे इस समय बहुत जरूरत है इसकी। तो डिमांड तो उन्होंने रखी है, वो कहते हैं कि डिमांड ही नहीं रखी है हमारे पास, डिमांड नहीं रखी है। मैम अपनी बात, आपने बात रख ली, मैं मुझे जवाब देने। देखिए ये बात है
कि आपने देखा कि बिहार में नीतीश कुमार जी को और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को इन्होंने जितना भी उन्होंने मांगा वो उन्हें दे दिया। ये मैं इस बात में सहमत हूँ कि पंजाब की सरकार ने क्या रखा क्या नहीं रखा, एक जो फर्ज बनता है, जो एक जिम्मेवारी बनती है केंद्र सरकार की, तो सभी राज्यों को एक जो बजट का जो एक बड़ा हिस्सा है वो दें। उसमें ये पूरी तरह इन्होंने इग्नोर किया। किया क्यों है कि पंजाब के लोगों ने इनको इग्नोर कर दिया, तो इनको ये देखना चाहिए कि इनकी नीति क्या है, ये पंजाब के लिए इनकी क्या सोच है। पंजाब का किसान है, बॉर्डर पर बैठा है, तो लगातार वो संघर्ष कर रहा है, तो उनको इन्होंने कोई उनकी बात नहीं सुनी। और ऐसे ही जितनी भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा शिकार पंजाब है। तो हमारा तो इस वक्त जो प्लान हो रहा है, जो जो हमारा युवा है वो अब्रॉड में जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, तो पंजाब खाली हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र की सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, इनका क्या दायित्व बनता है, इनका क्या फर्ज बनता है, वो उसमें ये इनका कोई ध्यान नहीं है। तो फिर यहाँ जो हमें क्या कहते हैं, हमारी जो जितनी भी डिमांड होती है, चाहे यहाँ की सिख कौम की अपनी डिमांड है, जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी श्रोमणी अकाली दल है, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि अलगाववादी, दहशतगर्दी, कई कई नाम दे देते हैं। तो इस वक्त बात ये है कि मैं फिर दोबारा वो बात कहना चाहता हूँ, यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, युवा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, ये अपनी लीडरशिप को बताएं। और ऐसे ही कांग्रेस जितनी भी सर्व पार्टी मीटिंग हो, उस मीटिंग में ये जो अपनी बात रखें कि हमने इतना इतनी बात कही, हमारी बात सुनी नहीं गई। अब देखें क्या हुआ, हमारे साथ हो क्या रहा है। केजरीवाल जी पंजाब में आए वोटों बटोरने के लिए, वोट बटोरने के लिए उन्होंने कह दिया हमारे पास रेवेन्यू और जो आएगा माइनिंग से इतना आ जाएगा, जो हम भ्रष्टाचार को रोकने की बात करेंगे 30,000 वहां से आ जाएगा, 20,000 माइनिंग से आ जाएगा। तो इन्होंने ऐसे गिनकर 1,00,000 करोड़ की बात कर दी, तो अब चुप है, अब ये बात ही नहीं कर रहे। तो ऐसी बात है, हम वो ही दोबारा कहना चाहते हैं कि इनको देखना चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति जब केंद्र और पंजाब सरकार के बीच होगी, मुझे लगता है उसका खामियाजा पंजाब की आवाम को भुगतना पड़ेगा, जो सही नहीं है। ऐसे में अगर किसी तरह से डिमांड रखे जाए या किसी तरह से सीधे तौर पर बात की जाए कि भाई हम इतनी डिमांड रखते हैं, हमें ये पैकेज देना चाहिए और ये पैकेज मिलना ही चाहिए, और उसको लेकर मुझे लगता है जब बातचीत होगी तो हो सकता है इस मसले का हल निकाला जाए। रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं। मैडम, यहाँ पे तो सवाल इस बात को ही लेके खड़े होते हैं, आप कहते हैं कि पहले डिमांड कीजिए, डिमांड तो जहां तक मुझे जानकारी है कि डिमांड रखी है उन्होंने। नहीं नहीं, डिमांड रखी है, इतना पैसा इसके लिए चाहिए, इतना पैसा किस पे खर्च करना है, आगे जो 2.5 साल पहले जो आता रहा पैसा वो कहाँ है, वो सारा कर्जा बढ़ता ही है ना। तो इन्हें क्या अपनी क्या परफॉर्मेंस है वो भी देखनी चाहिए ना। और मैं अभी वहां पे बैठी हुई थी कमिश्नर ऑफिस में, कितना इनका पैसा वापिस गया है क्योंकि इन्होंने यूज ही नहीं किया। मतलब इनको पता ही नहीं है कैसे करना है, किस तरह यूज करना है और क्या अपना रोड मैप। मेरे पास इनका आंकड़ा है, एक मेरे पास इनका आंकड़ा जिसमें इन्होंने पराली मैं आपको बता देता हूँ। मैडम, आप कह रहे कि रोड मैप या बताइए कहाँ खर्च करना है, वो मेरे पास एक लिस्ट इनकी आई हुई है जहाँ पर लोकल देहाती लोकल के लिए इन्होंने 10,000 करोड़ मांगा है, आतंकवाद और नशे के लिए इन्होंने 9,000 करोड़ मांगा है, विकास फंड के लिए इन्होंने 75,000 करोड़ मांगा है, पराली प्रबंध के लिए इन्होंने 5,025 का मांगा है, शहरी जो है वो विकास के लिए इन्होंने 9,426 करोड़ मांगा है, खेती बाड़ी के लिए 17,950 करोड़ मांगा है, और ऐसी कई इन्होंने पूरा रोड मैप बना के दिया कि भाई हमें यहाँ पर जरूरत है, इसकी जरूरत है। नशा, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, नशा इन्होंने रोकना है, उसके लिए क्या इन्होंने करना है, क्या नशा सेंटर बनाने हैं, क्या करना है इन्होंने, नशा रोकना है हमने, वो तो पैसा जाएगा उनके तनख्वाह में जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि ये दे ही नहीं पा रहे हैं। कर्जा इनके कितना है, 3,00,000 करोड़ का है। अगर आपने पराली का किया, क्या वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम बनाया है कि पराली को यूज करके उसका कुछ बनाया जा सके आगे, कोई सिस्टम नहीं है। अगर हमने हेल्थ का है तो क्या सिस्टम बनाया है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है जिससे वो उसको पैसा दिया जाए और वो यूज हो जाए। क्योंकि ये कोई एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार से केंद्र सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है।
मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। दिल्ली में जब इनके पास कॉर्पोरेशन नहीं थी तो ये कहते थे कॉर्पोरेशन हमारे हाथ में नहीं है इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वहाँ बाहर कूड़े का ढेर लगा हुआ है वो अभी तक एज इट इज है, कुछ नहीं हिला वहाँ पे, कॉर्पोरेशन भी इनके पास आ गई है। अब नई बात आई है कॉर्पोरेशन के पास पैसा ही नहीं है, केंद्र सरकार को इन पैसा नहीं दे रही है, मतलब इनका चलिए आपने सवाल पूछा उसका जवाब ले देते हरपी जी से। हरपी जी वो कहते हैं कि भाई पहले तो आप बताइए पैसा कहाँ पे खर्च करना है, हालांकि मैंने बता दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि ये पैसा आएगा तो प्रोजेक्ट के लिए लेकिन इस्तेमाल होगा नौकरियां सैलरी देने के लिए, इस्तेमाल होगा एडवर्टाइजमेंट के लिए, इस्तेमाल होगा उस प्रोजेक्ट के लिए जो कि बिल्कुल है नहीं। तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग किया जाएगा। इसी के चलते तो पहले के आपके जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जो पहले के फंड आपके पास है वो तो वापस जा रहे, वो तो आप इस्तेमाल कर नहीं पा रहे और आप आगे की डिमांड कर रहे। देखिए हमारी सरकार की हमारी पार्टी की नीयत और नीति बिल्कुल साफ है। इन्होंने बात की कि इन्होंने हेल्थ के लिए क्या किया, हम पहली सरकार पंजाब में बने हैं जिसने 829 हेल्थ क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक बनाए और आज आपको भी पता है कि कितने प्रतिशत जो पंजाब में जो छोटी बीमारियां हैं वो कम हो गई हैं। उसके बाद इन्होंने बात की कि ये फंड वापस चले जाते हैं, ये कोई फंड वापस नहीं जाता। इन्होंने कहा पंजाब सरकार ने काम ही क्या किया है, आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, हमने कोई वादा ऐसा तो नहीं किया था पर हमने 43,000 नौकरी पंजाब के युवाओं को दी, हमने नहरों में पानी पहुंचाया, 829 हेल्थ क्लिनिक खोले, 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले। और ये भाजपा को मैंने पूछा था कि 5 चीजें पंजाब के लिए बता दे, वो तो ये चलो फेल हो गए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा बजट में कि हम 25,000 करोड़ रुपया एग्जाम्स पर खर्चते हैं हर साल, तो देखो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 25,000 करोड़ एग्जाम करवाने पे खर्चने के बाद भी हमारे पेपर लीक हो जाते हैं, क्योंकि और क्योंकि ये सरकार पेपर लीक के साथ साथ मनी लीकेज भी करती है। उसके बाद अगली बात पीर मोहम्मद जी ने कहा कि सर्व पार्टी मीटिंग बुलाएं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं। देखिए हमारे 2-4 दिन पहले की बात है, हमारे जो राज्यसभा के एमपी हैं विक्रम जी सानी जी, उन्होंने सर्व पार्टी मीटिंग बुलाई पंजाब के एमपी, उस मीटिंग में तो आपके लोग भी नहीं गए, हमारे लोग बीबाजी इकलौती एमपी हैं और उन्होंने एक्सक्यूज क्या दिया कि मेरे को तो जी दूर पड़ता है मैं जा नहीं सकती। ये देखो देखो ये हरभजन सिंह आपके एमपी हैं, ये दोनों जितने जितने बाबा बलवीर सिंह चीचेवाल हैं कोई भी नहीं आपकी मीटिंग में गया। हमारे वहां पर सबसे ज्यादा एमपी से आपके इकलौते एमपी, उन्होंने कहा हमें दूर पड़ता है हम जा नहीं सकते, हमारी सरकार हमारी पार्टी की नियत और नीति साफ है और हम हर संभव कदम हम पब्लिक पॉलिसी के काम को नीति पता है इनको कैसे काम करना है। इनके जो इनके एमएलए है वो सारे तड़प रहे हैं कि कैसे काम करना है, किस तरह से काम होना है, अफसर उनकी नहीं सुनते हैं, उनको पता है नहीं, डायरेक्शन कोई है नहीं है। डायरेक्शन देखिए ये चीजें भाजपा को बताने की जरूरत नहीं है, ये जनता खुद जानती है और जनता ने लोकसभा चुनाव जीरो सीट दिए और 303 में 240 पर आप आ गए हैं, आप ये बात बोलते अच्छे नहीं लगते। नहीं नहीं 13 जीरो का नारा ठीक है। कर्नैल सिंह पीर मोहम्मद जी चलिए ठीक है, अंत में कर्नैल सिंह पीर मोहम्मद जी का रुख कर लेते हैं। कर्नैल सिंह जी हाँ जी हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो मीटिंग कोई इंडिविजुअल बुलाता है ना उसकी उसकी एक अलग महत्ता होती है। जैसे विक्रमजीत सिंह सानी ने उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग का ठीक है प्रभाव होता है लेकिन उस मीटिंग में तो इनके अपने एमपी नहीं आए, तो यहाँ जो पंजाब से राज्यसभा के इन्होंने मेंबर बनाए हैं तो पंजाब की बात ही नहीं करते, कभी वो जाकर प्रधानमंत्री से कभी सीतारमन जी से जाकर मिले हैं कभी नहीं मिलते। आप इनके इतने जो 5 तो राज्यसभा के मेंबर हैं तो उन्होंने कभी बात नहीं की, तो ये बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी को जो यहाँ के मुखिया हैं जो सीएम हैं उनको तो अब ये प्रॉब्लम है कि कब मेरी सीट छीन ली जाएगी, ऐसे हालातों में वो जी रहे हैं तो उनको तो ये समझ नहीं आ रही कि क्या होना चाहिए। तो ये बात ये है जो केंद्र की सरकार है जो बीजेपी की सरकार है उनको उनको वोट तो वो बटोर नहीं सके, अब वो राज्यों के मुख्यमंत्री को खुश करने में लगे हुए हैं, नीतीश जी को खुश कर लिया और चंद्रबाबू नायडू जी को खुश कर लिया, कुछ और लोगों को खुश कर लिया लेकिन यहाँ पंजाब से उनको वोट नहीं पड़ी तो पंजाब से ये नाराज है, तो हमारे साथ भी नाराज है, हमें तो तोड़ने में लगे हुए हैं, हमारे जो श्रोमणी अकाली दल है उनको तो तोड़ने में ये लगी हुई है बीजेपी कि कहीं ना कहीं इनको तोड़ दिया जाए, तो यहाँ हमारे लोगों को उनके साथ साठगांठ करते हैं
उनको ये सपने दिखाते हैं कि आपको श्रोमणी अकाली दल के आगू बना दिया जाएगा। तो ऐसे तो ये बात चल रही है। तो देश में जो बड़ी बात ये है, जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, उनको ये चाहिए कि फिरकू एजेंडे को पास से डाल दें, उससे कुछ नहीं होगा। अयोध्या आप हार गए और बद्रीनाथ आप हार गए। जेकर आपका फिरकू एजेंडा चलता होता तो वहां के हिंदू आपको वोट डाल देते, आपके आपके साथ हिंदू भी खुश नहीं है। ठीक है, आप सभी की बात आगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बात इस बात को लेकर उठी है कि जिस तरह से पंजाब के साथ अनदेखा व्यवहार किया गया, पंजाब को अलग रख दिया गया और विशेष पैकेज क्या दे रहा था और जो डिमांड थी उनको भी पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच लगातार टकराव की स्थिति है। पंजाब के सीएम समेत पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, डिमांड रखी है कि पंजाब को जो है वो 1,32,247 करोड़ का जो राहत पैकेज है वो मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे में सवाल अब इस बात को लेकर उठ रहा है, भाजपा कहती है कि जो पहले हमने आपको राहत पैकेज दिए वो भी वापिस आ रहे हैं, वो भी इस्तेमाल नहीं हुए, तो आप कैसे डिमांड करें। इसी के चलते पंजाब सरकार ने, यानी कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नीति आयोग की जो मीटिंग है उसका वाइकआउट कर दिया है, उसके अंदर जाने का इनकार कर दिया। लेकिन ऐसे में भाजपा और सीधे तौर पर ये कहती नजर आ रही कि भाई हमने हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ इस बजट के अंदर विशेष दिया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर था कि पंजाब को विशेष पैकेज नहीं दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो भाजपा को घेरता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।